ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। सड़कों पर आपने देखा होगा कि भगवान की झांकी बनाकर भगवान शंकर की या राधे कृष्ण की, राधे कृष्ण की अक्सर मैंने झांकी देखी कि झांकी बनाकर लोग भगवान शंकर नृत्य कर रहे हैं और श्री कृष्ण जी रास लीला कर रहे हैं। और तो क्या ये आपके हिसाब से सही है? भाई मेरे हिसाब से हम कट्टर हिंदू, सत्य सनातन धर्म को मानने वाले, सत्य सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाले और सत्य सनातन धर्म के लिए ही मर मिटने वाले व्यक्ति हर चीज को आकलन करके ही कोई बात निकालते हैं। हमारे हिसाब से 100% ये बिल्कुल सर्वदा गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी विशेष त्योहार पर भगवान शंकर का को नृत्य नृत्य वो भी तांडव नृत्य भगवान शंकर किया करते थे। ऐसे ये जो आजकल में जो चल रहे हैं कि भंग पी ले, ये कर ले, वो कर ले, ये हमारे देवताओं को सरासरी अपमान है। सड़कों पर जगह 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 झांकियां निकालकर भगवान शंकर का नृत्य दिखा रहे हैं, जगह जगह पर राधे कृष्ण जी नृत्य कर रहे हैं, उनकी गोपियां उनके साथ में नृत्य कर रही हैं, लोग उनका आनंद ले रहे हैं, लोग आनंद भी नहीं, आनंद वैसे ले रहे हैं, उनको गलत भावना से देख रहे हैं। राधा जी को हमारी जो माँ शक्ति है उस शक्ति को गलत रूप से देख रहे हैं। तो भाई ये हम अपने देवता का शम अपमान कर रहे हैं, ये सर्वदा गलत है। आप किसी विशेष कोई विशेष कभी कोई प्रोग्राम होता है उस पर भगवान शंकर का नृत्य संबंधी कोई विशेष छोटा प्रोग्राम दिखा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि जगह जगह सड़कों पर आपने भगवान शंकर का नृत्य बना रखा है, नृत्य कर रहे हैं, राधे कृष्ण जी नृत्य गए। तो भाई वे नचनिया थे या देवता थे? आपने क्या दर्शाना चाह रहे हो? आप लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हो? आप अपने धर्म पर अपने देवताओं का अपमान कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा, जो देवता जिनके चरणों की धूल भी मिलनी आज बड़े से बड़े भक्त को दुर्लभ है, आप उन देवताओं को सड़कों पर नचा रहे हो। आप करना क्या चाहते हो? दूसरा, ये जो आप कावड़ में या फिर अभी शाकुंभरी देवी की यात्रा चल रही थी उसमें जो डीजे, इतने बड़े बड़े डीजे, इतने पावरफुल डीजे लेकर जा रहे हो जिससे कि उसकी ध्वनि इतनी तेज हो रही है, बराबर से यदि कोई व्यक्ति निकल रहा है तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इतनी वाइब्रेशन वाले आप डीजे लेकर जा रहे हो, तो ये आप क्या कर रहे हो? ये देवता आपको, आप इस तरह का जो पैसा आप लगा रहे हो, क्या ये किसी धार्मिक संगति में या धार्मिक कार्य में ये सही है? ये किसी भी संगत से उचित नहीं है, सिर्फ पैसे का बर्बादी है। और दूसरी बात, ध्वनि प्रदूषण आप जानबूझ के कर रहे हैं। योगी जी ने अभी पीछे लाउड स्पीकर के लिए मना किया था कि लाउड स्पीकर सिर्फ इतना होना चाहिए जो कि आपके प्रांगण में आपको सुनाई दे, उससे दूसरा को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपको डीजे बजाने की अनुमति सरकार ने दी है, लेकिन आप उसका मिसप्रयोग क्यों करें? आप डीजे बजाइए, भगवान के भजन बजाते हुए स्लो आवाज में भगवान के भजन बजाते जाइए, भजन बजाइए, रास्ते में जो भजन बज रहे हैं जिनमें जय माता की हो रही है, जय माता की हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो ढूम ढूम आप डीजे बजा रहे हो उसका क्या अर्थ है? ये सिर्फ आप पैसे की बर्बादी कर रहे हो और कुछ नहीं, अपने धर्म को डुबाने वाला काम कर रहे हो, बिल्कुल 100% अपने धर्म को डुबा रहे हो। ये इसका अधिकार आपको कौन दे रहा है? आप जरा सोच कर देखिए, क्या ये उचित है? किसी भी स्थिति में ये उचित नहीं है। आप जितना पैसा आप उस डीजे पर इतना और पेट्रोल डीजल पर आप पैसा बर्बाद करें, किसी गरीब को आप जाकर भोजन कराइए ना, किसी गरीब लड़की की आप शादी कराइए ना। और दूसरी बात, अगर आपको डीजे बजाना है, मैं मना नहीं करता, मैं खुद भी डीजे बजाता हूँ, लेकिन हम खुद भी प्रोग्राम करते हैं, डीजे बजाते हैं, मंदिर में जाते हैं, शाकुंभरी देवी जाते हैं, डीजे बजाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, डीजे बजाते हैं, या अन्य क्षेत्रों में जाते हैं डीजे, लेकिन एक लिमिट के में रहकर, एक लिमिट की आवाज में, और उनमें भजन चलते हैं, ना कि ये ढूम ढूम, ये बेफुजुल की आवाजें, बेफुजुल की आवाजें, कौन है, कौन है, कौन है, ये क्या है? मेरी समझ नहीं आ रहा, आप देवता ईश्वर के पास जा रहे हो या आप उनको डरा रहे हो, पब्लिक को डरा रहे हो, कहना क्या चाहते हो आप? आपको डीजे बजाइए, कोई मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह की से बजाइए कि उसमें ईश्वर का नाम हो, ताकि चलता फिरता व्यक्ति बराबर से निकल रहा हो वह भी भजन को सुनकर ईश्वर का नाम ले, और जब वह ईश्वर का नाम लेगा तो उसका कई गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा। आप इतनी तेज वाइब्रेशन रख रहे हैं कि बराबर में चलने वाला व्यक्ति मन ही मन गाली दे रहा है, मन ही मन परेशान हो रहा है, तो उसका क्या फायदा? हर जीव के अंदर, हर इंसान के अंदर परमात्मा है। यदि आपके कारण किसी इंसान को ठेस पहुंच रही है, किसी मनुष्य को आपके कारण दिल दुख रहा है और आप उसी का आनंद ले, तो उस चीज के आनंद का कोई फायदा नहीं है। आप डीजे बजाइए, भगवान के भजन बजाइए, ऐसे भजन बजाइए जिसके द्वारा आपके आपके जाने के साथ साथ आपके बराबर से निकलने वाले व्यक्ति भी ईश्वर को देखकर प्रणाम करे, जो उसमें बज रहा है उसका सुमिरन करे, ना कि उस चीज से परेशान हो। तो भाई आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस चीज के लिए आपसे बार बार मैं समझ आता हूँ कि भाई इस चीज को रोके, आप डीजे बजाइए, कोई आपत्ति नहीं, अच्छे तरीके से बजाइए, अच्छे भजन बजाइए,
दकी बराबर से निकलने वाले व्यक्ति उसको सुने, उसका मन मुग्ध हो, अच्छा भजन चल रहा है, माता का सुमिरन हो रहा है, ईश्वर का सुमिरन हो रहा है, श्री रामचंद्र जी का सुमिरन हो रहा है, हनुमान जी का सुमिरन हो रहा है, या भगवान शंकर का भजन आप बज रहे हैं, भगवान शंकर का सुमिरन हो रहा है। लेकिन ये जो आप डीजे ढूम 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 ढूम, जिसमें कोई भजन है ही नहीं, केवल ढूम ढूम ही हो रही है, ये क्या है? ये तो खाम खाई खुद को और दूसरे को परेशान करने वाली बात है, इसका कोई औचित्य नहीं। दूसरी बात, आपको शायद ये नहीं पता, इस ध्वनि प्रदूषण के कारण आप लोग जो जा रहे हो, अपने जीवन का बहुत कई साल अपने जीवन के आप पीछे हट गए। कई साल में जो आपके कान डैमेज होने थे, वो एक ही यात्रा में आपके कान डैमेज हो जाएंगे और आपके शरीर में उतनी थकान आएगी जितनी थकान आपको पिछले अगले 5-7 सालों तक भी ना थी, उतनी थकान आपको ध्वनि प्रदूषण से आ जाएगी जो उसके साथ चल रहे हैं। तो आप अपने साथ साथ, जो साथ चलने वाले बच्चे हैं, साथ चलने वाले लेडीज हैं, उन सभी के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि बराबर से कोई एम्बुलेंस ऐसी निकल जाए जो कि जिसके अंदर मरीज हो, तो वह आपकी इतनी शोरगुल से वहीं पर मर जाएगा, वहीं पर दम तोड़ देगा। इसका नतीजा, इसके लिए हमने कल ऑब्जेक्शन उठाया और ऑब्जेक्शन उठाने का तुरंत रिजल्ट ये निकला कि अधिकारी जब सड़क पर थे, उन्होंने चीज को महसूस किया। महसूस करने से तुरंत ही कल ही उन्होंने सिटी के अंदर डीजे बैन कर दिया। सिटी से बाहर जंगल में जाकर डीजे बजाएंगे, सिटी के अंदर डीजे नहीं बजेगा। डीजे बजाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप अपने आप बाहर निकल कर देखिए, आप देखिए अपने आप के इतने बड़े बड़े डीजे लेकर जा रहे हैं, जिसके कारण सड़कों पर जाम, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात जाम नहीं खुला। तो अब आप देखिए आपके कारण कितने लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस रुपया को यदि कोई कहता है तो कहने पर होता है देशद्रोही कहलाता है, यदि कोई कहता है तो वो कहता है कि पाखंडी है। लेकिन भाई हमें खुद भी तो सोचना चाहिए, हम गलती कर क्यों रहे हैं, हम ऐसी गलतियां करें क्यों, इन गलतियों से कितने लोगों को परेशानी हो रही है, ऐसे कार्य करने से क्या फायदा जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। तो ऐसे कार्य ना करें, आप डीजे बजाएं कोई आपत्ति नहीं, डीजे बजाएं लेकिन छोटा बजाएं, छोटा डीजे जाए जिससे कि ट्रैफिक में दिक्कत ना हो, पब्लिक को दिक्कत ना हो और जो पब्लिक चल रही है उन्हें वो चीज़ अच्छी लगे। कुछ लोग वहाँ मैंने कल देखे, कुछ व्यक्ति साकुम्बर देवी जा रहे थे और ऐसे जा रहे थे, बहुत छोटा डीजे उन्होंने, उनके उसमें भजन चल रहे थे, जय माता दी जय माता दी जय माता दी। तो इतने अच्छा मुझे लगा बराबर से निकलते हुए, जब मैं निकला तो मेरे मन से भी जय माता ऑटोमेटिकली, जितने व्यक्ति लिख रहे थे सभी के मन से जय माता ही। और कुछ डीजे ऐसे निकल रहे थे उनको सुनकर कान बंद करने पड़े और उनके जाने के 4-5 घंटे बाद भी सर के अंदर इतना दर्द रहा, इतना दर्द रहा कि आपको बता नहीं सकते। तो ऐसे डीजे का क्या फायदा, भक्तों को जय श्री राम।